विदेशी लड़कियां, एक सेक्स रैकेट, दो कप और एक खत। दिल्ली में एक के बाद एक दो विदेशी लड़कियों के मर्डर से सनसनी, उज़्बेकिस्तान डांसर के मर्डर के पीछे सेक्स रैकेट। 4.5 लाख रुपए के लिए उज़्बेकिस्तान की डांसर का कत्ल। दिल्ली के बीचों बीच कार में विदेशी लड़की का मर्डर। एक कत्ल के सबूत मिटाने के लिए दूसरी लड़की की हत्या। कत्ल से पहले उस लड़की ने लिखी थी एक चिट्ठी। उस चिट्ठी के एक एक लफ्ज में था बहुत बड़ा राज। दिल्ली से चंडीगढ़ तक चलने वाले सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। मौत से पहले उस खत में लड़की ने लिखा था अपने कातिल का नाम। काश कोई खत कोई पढ़ लेता तो ना वो फंसती ना मर्डर होता। दो लड़कियां जो आपस में अच्छी दोस्त थीं, वो उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आ गईं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन यहां आकर वो जिस्म फरोशी के जाल में फंस गईं। वो सेक्स रैकेट के सरगना के हाथ की कठपुतली बन गई। हर रोज उनका सौदा होने लगा, सिवाय लाचारी के उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। गंदे धंधे के दलदल से निकलने का इंतजार करते करते उन दोनों का मर्डर हो गया। हत्या से पहले एक लड़की ने खत में अपना दुख दर्द और मजबूरी की जो दास्तां लिखी थी वो अब सबके सामने आ चुकी है। दो सहेलियां, दोनों का मुल्क एक, दोनों का मकसद एक, लेकिन दोनों का कत्ल हो गया। दो सहेलियों के मर्डर की यह कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी में दौलत है, शोहरत है, दोस्ती है, दगा है, दर्द है, गंदा धंधा है और है एक गहरी साजिश। एक ऐसी साजिश जिसका शिकार हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान में रहने वाली दो लड़कियां बारी बारी से बन गई। दोनों का मर्डर हो गया। इससे पहले कि हम आपको इन दो लड़कियों की सनसनीखेज और दर्दनाक कहानी बताएं, आपको पहले इनका नाम बता देते हैं। शकनोजा शुक्रोवा उर्फ शहनाज, उम्र 27 साल, देश उज़्बेकिस्तान। अताजनोवा उर्फ नाज, उम्र 28 साल, देश उज़्बेकिस्तान। शकनोजा शुक्रोवा और नाज अताजनोवा, दोनों का मर्डर हो चुका है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों देश की राजधानी दिल्ली में रहती थी और दोनों का एक ही सपना था, अपने डांस के हुनर से हिंदुस्तान से दौलत और शोहरत कमाना। पैसे कमाकर अपने देश उज़्बेकिस्तान लौट जाना और अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों सहेलियां देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब में फैले सेक्स रैकेट के जाल में ऐसा फंसी कि उन्हें जिंदा वापस जाने का मौका तक नहीं मिला। इन दोनों ने जिस्म फरोशी के दलदल से जितना निकलने की कोशिश की उसमें धंसती चली गई और आखिरकार अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पहले पेशे से बेली डांसर शकनोजा शुक्रवा की हत्या हुई और उसके चंद दिनों बाद ही उसकी दोस्त नाज को भी मार दिया गया। जब तक शकनोजा और नाज के मर्डर का राज नहीं खुला था, तब तक दोनों की मजबूरी, जिस्म फरोशी के धंधे में फंसने की कहानी और दर्द, अपने घर वापस ना लौट पाने की तड़प, हर बात पर राज पड़ा हुआ था। लेकिन नाज के कत्ल के बाद जब पुलिस के हाथ एक चिट्ठी लगी तो उस चिट्ठी ने जिस्म फरोशी के गंदे धंधे का पर्दाफाश कर दिया। 5 अक्टूबर 2015 को मारी जा चुकी नाज ने वो चिट्ठी हिंदुस्तान में रहते हुए दिल्ली के उज़्बेकिस्तान दूतावास को लिखी थी, जिसमें उसने बताया था कि कैसे वो हर रोज जिस्म फरोशी के लिए मजबूर की जा रही है, कैसे हर रोज पैसे के लिए उसके जिस्म को नोचा जा रहा है और वो सिर्फ सिसकने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। नाज ने खत में जिक्र किया कि कैसे वो दिल्ली आकर जिस्म फरोशों के जाल में जकड़ चुकी है। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे दिल्ली आने के बाद चंडीगढ़ ले जाकर सेक्स रैकेट में काम करने के लिए मजबूर किया गया। हम दिल्ली से 6 घंटे सफर करके किसी जगह पहुंचे। बाद में मुझे पता चला कि वो चंडीगढ़ है। मैंने पूछा मुझे यहाँ क्या करना है, तो मुझे कहा गया कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनकर बैठना है।
वहाँ जमीरा नाम की एक लड़की थी जो जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल थी। मुझे जबरन धंधा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं वहाँ 7 दिनों तक रही और फिर दिल्ली में गगन और माशा के घर लौट आई। आपको बता दें, नाज ने अपने खत में जिस गगन उर्फ गुरविंदर का जिक्र किया है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर न सिर्फ नाज के कत्ल का बल्कि उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने का भी आरोप है। माशा उर्फ मोयसर गगन की ही बीवी है और वो भी उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। नाज ने आगे लिखा कि कैसे सेक्स रैकेट के सरगना गगन और माशा मिलकर उसे जबरन धंधा करने के लिए मजबूर करते रहे और विरोध करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते रहे। दिल्ली में मुअस्सर ने मुझे जबरन ग्रुप नाम के एक दलाल के पास भेज दिया। मेरे काम के बदले हर दिन मुअस्सर को 15,000 रुपए मिलते थे। मैंने 11 दिनों तक काम किया। इसके बाद मुझे रोहन नाम के दलाल के पास भेज दिया गया। हर रोज मुझे 6 से 7 लोगों के साथ जबरन सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। गगन, उसकी बीवी, मुअस्सर, ग्रुप और उसकी बीवी के अलावा एक दलाल मेरे साथ अक्सर मारपीट करते थे। नाज ने लिखा कि वो अपने घर उज्बेकिस्तान लौटना चाहती थी लेकिन नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही उसका पासपोर्ट। नाज ने अपनी चिट्ठी में एक और दर्दनाक बात लिखी। उसे अपने बीमार भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी लेकिन गगन ने करीब 30,000 रुपए दिए, वो भी उधार कहकर। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि घर भेजने के लिए मुझे रुपए चाहिए, मेरा भाई बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है। उन्होंने मुझे $500 ये कहकर दिया कि ये लोन है और तुम्हें लौटाना पड़ेगा। मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी लेकिन मुझे बार बार कहते थे कि तुम्हें पहले लोन के $500 चुकाने होंगे, उसके बाद तुम जा सकती हो। गगन और माशा मिलकर नाज को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलते जा रहे थे और उसके पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा एक दिन उसने चोरी से ये खत हिंदुस्तान में उज़्बेकी दूतावास को लिख दिया। खत में नाज ने साफ साफ लिखा था कि अगर उसे हिंदुस्तान में रहते हुए कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार गगन और माशा ही। दिल्ली में रहते हुए अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मुअस्सर और उसका पति गुरविंदर होंगे। नाज का डर सही साबित हुआ। आखिरकार गुरविंदर उर्फ गगन ने उसकी हत्या कर दी और लाश को दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर ले जाकर जला दिया। आगे आपको बताएंगे कि नाज दिल्ली कैसे आई, कैसे गगन के चाल में फंसी, चिट्ठी लिखने के बाद भी कुछ क्यों नहीं हुआ। नाज की सहेली शुक्नोजा के साथ उसके कत्ल का कनेक्शन क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। उज़्बेकिस्तान की रहने वाली नाज की जरूरत एक नौकरी थी लेकिन वही जरूरत उसके लिए जिस्म फरोशी की जंजीर बन गई। गगन की बीवी ने उसे नौकरी का झांसा देकर इंडिया बुला लिया। उसके बाद हालात ऐसे बनते चले गए कि उसने गगन के साथ मिलकर अपनी हमवतन शकनोजा की हत्या कर दी लेकिन बाद में गगन ने नाज की भी हत्या कर दी। बेहद करीब परिवार से ताल्लुक रखती थी नाज अताजनोवा, लेकिन वो कुछ करना चाहती थी। उसे एक ऐसी नौकरी की दरकार थी जो उसके हालात को सुधार सके। अपने मर्डर से पहले लिखी चिट्ठी में नाज ने अपनी बर्बादी की पूरी कहानी लिखी है। उसने लिखा है कि कैसे एक नौकरी के लालच में वो दिल्ली आई, कैसे उसके साथ अपनों ने धोखा किया और कैसे वो यहाँ आकर गगन के जाल में फंस कर रह गई और तब तक फंसी रही जब तक कि उसका मर्डर नहीं हो गया। नाज ने चिट्ठी में लिखा है, मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ, हम बुरे हालात में रह रहे हैं, मेरे घर में बिजली और गैस तक नहीं है, मुझे एक नौकरी की तलाश थी। वो दिन की रहने वाली मुअस्सर ने मुझे बताया कि उसके पास इंडिया में बच्चों की देखभाल करने के लिए एक मेड की नौकरी है। मैं अपना घर छोड़कर ताशकंद आ गई। माशा ने मुझे ताशकंद से अलमाटी और वहाँ से इस्तांबुल भेज दिया, इस्तांबुल से काठमांडू और फिर वहाँ से इंडिया। दिल्ली पहुंचने के बाद नाज 5 दिनों तक होटल में रही और फिर उसकी मुलाकात पहली बार गुरविंदर उर्फ गगन से हुई। गगन से मुलाकात के बाद नाज की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। अपने गम और दर्द को बयां करते हुए नाज ने उज़्बेकी दूतावास को 25 नवंबर 2014 को एक चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 5 अक्टूबर को गगन ने नाज की गुड़गांव में हत्या कर दी। इस कार में उसकी डेड बॉडी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि गगन का गुनाह कैसे खुला, उसने नाज को क्यों मारा। दरअसल नाज की हत्या का राज कभी नहीं खुलता। अगर नाज की दोस्त शकनोजा शुक्रवा उर्फ शहनाज के मर्डर का सच सामने नहीं आता। पेशे से बेली डांसर शकनोजा भी हिंदुस्तान आई थी पैसे कमाने के लिए, वो कथक भी सीख रही थी।
गगन ने शकनोजा का मर्डर नाज के साथ मिलकर किया था, लिहाजा उसे डर था कि एक न एक दिन नाज हत्या का राज खोल देगी। गगन ने हाल ही में आई एक फिल्म भी देखी थी जिसमें उसने सीखा था कि हत्या का कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहिए, लिहाजा उसने नाज को भी रास्ते से हटा दिया। गुरविंदर उर्फ गगन, दोनों उज्बेकिस्तानी लड़कियों की हत्या का साजिश का सूत्रधार यही है। पुलिस के मुताबिक गगन और इसकी उज्बेक बीवी माशा जिस्म फरोशी के धंधे के बड़े खिलाड़ी हैं। नाज को भी गगन की बीवी ने हिंदुस्तान में नौकरी का लालच देकर बुलाया था, ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन आखिर जिस नाज ने शकनोजा की हत्या में गगन की मदद की, गगन ने उसे ही क्यों मार दिया? पुलिस के मुताबिक गगन ने नाज की हत्या की जो वजह बताई वो बेहद हैरान करने वाली है। इसने पुलिस को बताया कि शकनोजा की हत्या की एकमात्र गवाह नाज ही थी। नाज ही वो चश्मदीद थी जिसे पता था कि गगन ने हत्या की है। गगन ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक गगन को डर था कि कहीं नाज शकनोजा की हत्या का सच पुलिस को ना बता दे। बताया जा रहा है कि गगन ने शकनोजा की हत्या से पहले कुछ फिल्में देखी थी जिससे उसे आइडिया मिला था कि हत्या कैसे की जाए और कैसे पुलिस को गुमराह किया जाए। गगन ने पुलिस को बताया कि वो शीना मर्डर केस में भी देख चुका था कि कैसे ड्राइवर ने सारा खेल खराब कर दिया था, लिहाजा उसने नाज को खत्म करने का फैसला कर लिया। गगन ने नाज को गुड़गांव के फ्लैट पर बुलाया, फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। नाज को मारने के बाद गगन ने उसकी लाश को सूटकेस में डालकर इसी इंडिका कार से दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर हापुड़ में ले जाकर जला दिया। शकनोजा की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका गगन पहले तो नाज के बारे में कुछ भी जानकारी होने से मुकरता रहा, लेकिन बाद में टूट गया। उधर नाज की जो आखिरी चिट्ठी सामने आई है वो शकनोजा के घर वाले लेकर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो खत नाज ने दूतावास को लिखा था वो शकनोजा के घर वालों तक कैसे पहुंचा? वो चिट्ठी दूतावास क्यों नहीं पहुंची? कहीं इसके पीछे भी तो गगन का हाथ नहीं है?